गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? शुक्र करता बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज काफ़ी लेट उठा हूँ मैं दोस्तों, और अभी उठ के मैंने देखा तो परी सो रही है और प्रीति खेल रही है, और परी की मम्मी चले गई है अपने रोड वाले खेत पे जहाँ चावल बोए हुए, वहाँ चले गई है क्योंकि आज मजदूर लिए हैं, तो मजदूर के साथ जल्दी चले गई क्योंकि वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा निकल चुका है और बारिश आ जाएगा तो वहाँ पानी भरा जाएगा, इसलिए मजदूर लिए हैं तो घास निकालने गए हैं। तो अपन फ्रेश हो जाता हूँ मैं, इसके बाद चाय पीता हूँ, चाय पी के फिर अपन खेत की तरफ चलते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहना, वीडियो को कर दो लाइक। चलो तो दोस्तों, देख सकते हो हमारी परी अभी सोई है यहाँ पर ये, और इसकी मम्मी चले गई खेत की तरफ और प्रीति बाहर खेल रही है। चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ और चाय पी लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं फाइनली फ्रेश हो चुका हूँ और चाय पीता हूँ, और चाय काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों, तो क्योंकि चाय के साथ मेरे को बिस्किट खाना है, और आपको शायद पता होगा मुझे करंट लग गई थी, तो दवाई चालू है अभी फ़िलहाल में, तो थोड़ा दूध डालूंगा चाय के अंदर और इसके बाद बिस्किट खाऊंगा मैं चाय के साथ, पतंजलि बिस्किट खाऊंगा। तो फाइनली दूध डाल दिया मैंने, तो अब चाय बना लूंगा थोड़ी और, इसके बाद बिस्किट खा के और गोलियां खाऊंगा। और आज शायद बाटल भी चढ़वाने जाना है, तो टाइम मिल गया तो बाटल भी चढ़वाने जाना पड़ेगा अस्पताल। तो चलो जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं और गोली खा लेते हैं, इसके बाद परी उठ जाएगी तो परी को लेके जाना पड़ेगा इसकी मम्मी के पास। तो आप बने रहना, मैं कर लेता हूँ चाय गर्म थोड़ी। तो फाइनली चाय बन चुकी है और अब ले लेते हैं बिस्किट, क्योंकि दुकान तो अपने घर में ही है, तो वहाँ से मैं बिस्किट ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि आज टोस लाना भूल गया मैं मार्केट से, तो टोस वगैरह खाते रहते हैं। तो अभी चलो मैं अपनी दुकान में से पतंजलि बिस्किट ले लेता हूँ, ये देख दो, ये खाऊंगा इसके बाद गोली खाऊंगा मैं। तो फटाफट चालू कर लेते हैं और गोली खा लेते हैं क्योंकि टाइम जा रहा है, तो 8 बजे गोली खाने का टाइम है। तो दोस्तों, मैं फटाफट बिस्किट खा लेता हूँ और गोली खा लेता हूँ। चलो तो दोस्तों, मैंने फाइनली बिस्किट खा लिया और अब खाऊंगा मैं कैप्सूल, जो मुझे करंट लगी थी बिस्किट कैप्सूल है ये, तो कैप्सूल खाऊंगा और टाइम मिल गया तो अस्पताल भी जाऊंगा अपनी बाटल चढ़वाने के लिए। तो चलो मैं पानी के साथ पी लेता हूँ कैप्सूल। दोस्तों, परी रोने लग गई है तो हम जा रहे परी की मम्मी के पास रोड की तरफ अपने खेत में, तो चलो चलते हैं रोड की तरफ अपने खेत में क्योंकि परी बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए खेत पर और फिर से दूध पीने लग गई, काफ़ी तेज़ रो रही थी तो इसलिए लेके आया हूँ खेत में, और बारिश गिरने के बाद वापस घास निकल गया बहुत ज़्यादा, तो बस यहाँ पर लींद रहे हैं। चलो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, और मूँगफली को फूल आने लग गए हैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी से फूल आने लग गए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले मक्की में फिर एक बार लींद रहे क्योंकि घास बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मक्की में लींद रहे हैं, और यहाँ पर डोरा अभी लगाएंगे चावल में, इसके बाद लींदेंगे। तो अभी शाम तक डोरा लगा देंगे, अभी काका दूसरे खेत में लगा रहे तो शाम तक आ जाएगा, तो वहाँ पर डोरा लगा के इसके बाद लींदेंगे चावल में। तो तब तक मक्की को हम लीन लेते हैं, मक्की में बहुत ज़्यादा घास हो गया तो इसमें खाद रखना है इसलिए। पर छोटा सा खेत है, ये खेत पूरा करने के बाद एक और छोटा सा खेत है, दो खेत पूरे करने के बाद अपने चावल में डोरा लगेगा, तो इसलिए मकई को अभी लीन लेते हैं जब तक डोरे वाला काका मतलब कंप्लीट कर दे दोनों खेत, इसके बाद अपने यहाँ आएगा तब तक मकई लीन लेते हैं क्योंकि मकई में भी घास बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मकई लीन रहे हैं। तो चलो जल्द वेट करते हैं कब तक ये पूरा हो जाए।
देर तो लगेगी, 1-2 घंटे, 2 घंटा तो लग जाएगा दो खेत में। तो इसके बाद अपने खेत में आएगा डोरा लगाने के लिए। देख सकते हो जो लिंदा हुआ है वो कितना मस्त लगने लग गया। तो लिंदने के बाद इसके बाद डोरा भी लग जाएगा तो काफ़ी मस्त हो जाएगा, फिर जल्दी से घास नहीं निकलेगा। और जो बिना लिंदा हुआ है इसमें देखो कैसी हालत हो रही। तो अभी बस 2 घंटे के बाद काका आ जाएगा डोरा लगाने के लिए, तब इस छावल वाले खेत में डोरा लगाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घास है तो इसमें फिर डोरा लगाएंगे, इसके बाद मकई में लगवा देंगे। बारिश ना आए तो बहुत अच्छी बात है, बारिश आ गया तो फिर डोरा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है चावल में, और ये मकई वाले खेत में भी थोड़ा बहुत पानी भरा जाता है। तो पानी नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। चलो करते हैं वेट कब तक हो जाए नवरे। तो दोस्तों सब खाने के लिए चले गए क्योंकि 1 बज गई है, तो खाने के लिए सब चले गए। और मैं यहाँ मेरे काका के घर पे बैठा हूँ थोड़ी देर, यहाँ पर परी सो रही है इसलिए यहाँ पर हूँ। और प्रीति की मम्मी चले गई घर पर खाना खाने के लिए, और मजदूर भी चले गए खाना खाने के लिए घर पर। दोस्तों फाइनली अपने खेत में डोरा लगने लग गया, देख सकते हो ये काका आ गया है। और हमारी परी रोने लग गई है, इसकी मम्मी खाना खाने गई है घर पे। तो हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि अपने खेत में डोरा लग रहा है, तो हम रुके हैं यहाँ पर। देख सकते हो अपना काका आ गया है लगाने के लिए डोरा, तो बस फटाफट 1 घंटे में लग जाएगा यहाँ पर, तो फटाफट खेत साफ हो जाएगा। और परी भी वापस रोने लग गई, तो इसकी मम्मी आ रही है खाना खा के। तो दोस्तों फाइनली खाना खा के आ गए, और साथ में प्रीति भी घर से आ गई है। प्रीति हाय बोल दोस्तों को, हाय बोल एक। तो प्रीति घर से कुरकुरे लेके आई खाने के लिए, और हमारा बैल इस तरफ छाई में थोड़ी देर खड़े हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो थक गए तो यहाँ पर खड़े हैं। तो अब जल्दी जल्दी खेत साफ हो जाएगा, फाइनली डोरा लगना चालू हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीति खेल रही है, देख सकते हो दौड़ लगा के आने वाली है। 1 2 3 देखो दोस्तों ये आ रही है प्रीति दौड़ लगा के, गिर मत जाना। और प्रीति की मम्मी ने खाना खा लिया, अब जा रही है खेत में लेने के लिए। और हमारे खेत में इधर बैल चल रहे हैं, ये देख सकते हो। प्रीति यहाँ पर गिर चुकी है, लगी लगी नहीं लगी, हाय बोल दे प्रीति एक बार। काफी मस्ती कर रही है दोस्तों ये, प्रीति गिर जाएगी बेटा। तो देख सकते हो डोरा दिया हुआ और बिना डोरा दिया हुआ कितना फर्क, तो डोरा और बिना डोरा का बहुत फर्क पड़ता है। एक बार खेत के अंदर बैल चल जाते हैं तो काफी ज्यादा धान बड़ा होता जल्दी। तो देख सकते हो ये बिना डोरा दिया हुआ और डोरा दिया हुआ। Thank you.
वाला खेत फाइनली ख़त्म हो गया, मकई वाला, इसमें पूरे में डोरा लग चुका है। और इसके बाद अभी काका का एक और खेत बाकी है जो मैंने मना बोल दिया, आप वो लगाने के लिए जाएगा क्योंकि बारिश आ जाएगा ऊपर के। मैंने बोला पहले हमारे यहाँ लगा दे, उसके बाद वहाँ पे लगा देना। तो अपने यहाँ फाइनली लग चुका है और इसके बाद वहाँ पर लगाने के बाद वापस आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर चावल में लगाएगा काका। तो यहाँ के लिए डोरा दूसरा लाना पड़ेगा क्योंकि ये डोरा थोड़ा बड़ा है, तो छोटा वाला इसमें लगेगा, तो छोटा लाना पड़ेगा। तो चलो मैं लेने जाता हूँ छोटा वाला डोरा। दोस्तों ऊपर वाले खेत में काका ने डोरा लगा दिया और काका लगाने गया वो दूसरे वाले खेत में, और अपने जो चावल वाले खेत में अपना भैया आ गया है लगाने के लिए डोरा। तो देख सकते हो तो वहाँ पे डोरा लगा के काका भी आ जाएगा और भैया भी लगा रहा, तो जल्दी पूरा हो जाएगा ये चावल में। तो काफ़ी ज़्यादा घास है इसमें, तो इस वजह से दो डोरे लगाएंगे अभी, तो जल्दी घास ख़त्म हो जाएगा क्योंकि धूप गिर रहा, रात भर में बारिश भी गिर जाएगा तो इसमें फिर इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा जाता है। तो अभी सूखा हुआ है तो जल्दी जल्दी कर देंगे, तो घास भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो आप बने रहना हमारे वीडियो पे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को घास कितना है इस खेत में। दोस्तों देख सकते हो एक तरफ है डोरा लगा हुआ कितना मस्त लगने लग गया, और एक तरफ बिना डोरा दिया हुआ, तो घास देख सकते हो आप कितना अंतर, बिना डोरा दिया हुआ और डोरा दिए हुए में। तो अब ये लग जाएगा तो ये यहाँ पर पानी भी भरा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें बारिश गिरने के बाद यहाँ पूरा तालाब भरा जाएगा पानी का, इसलिए यहाँ पर हम चावल करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला जल्दी जल्दी इसमें डोरा लगा देते हैं और जितना साफ़ सफाई हो जाए तो अभी ही होना है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें हम। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में मेरा भैया लगा रहा है ये डोरा और काका गया है दूसरे खेत में लगाने के लिए, तो वो अभी आ जाएगा, तब तक दोनों मिल के जल्दी जल्दी ये खेत को पूरा कर देंगे, तो थोड़ा मतलब सुकून मिल जाएगा। फिर बारिश गिरे 10 दिन 15 दिन कोई टेंशन की बात नहीं है, जब तक इसमें डोरा और साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक तो टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि फिर बारिश गिरने लग जाएगा तो ये अपना जो चावल है ये नीचे रह जाएंगे और घास ऊपर आ जाएगा, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं दोस्तों। तो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है, बस इसमें छाहड़ा ले लेके घास निकाल रहे हैं, तो जल्दी पूरा हो जाएगा, शायद शाम तक हो भी सकता है पूरा। तो अभी बस इसमें कल लिनना पड़ेगा, अभी तो डोरा लगा रहे हैं, तो रात में बारिश नहीं आएगा तो सुबह में ये खेत भी साफ़ हो जाएगा, तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर खाद रखेंगे। तो देख सकते हो मेरा भैया डोरा लगा रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर घास पहले का लिन लिन के ढगली कर रखा है, ये मैं उठा रहा हूँ थोड़ा 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 सब कुछ, तो यहाँ डोरे में नहीं आएगा इसलिए देख सकते हो ये। तो चलो मैं इसको उठा उठा के बाहर पटकता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो घास, ये बाहर फेंकना पड़ रहा मुझे क्योंकि यहाँ डोरे में आ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बिन बिन के सब बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ मैं ये।
तो वखर में नहीं आएगा इसलिए ये। चलो दोस्तों, इस तरह काम करते हैं हम। देख सकते हो एक किसान गांव में रहने वाले बंदे कैसे काम करते हैं, इस तरह काम करना पड़ता है। ये घास बिन रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पूरे खेत में ढकली पड़ी है, तो बिन बिन के बाहर ले जाके फेंकना पड़ेगा, क्योंकि डोरे में आ जाएगा ये घास, इसलिए सब बिनना पड़ेगा मुझे। ये सब घास में बिन बिन के बाहर फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि डोरा लगाते हैं तो डोरे में आ जाता है, इसलिए ये घास में बिन बिन के और बाहर फेंकना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, जरूर कमेंट में बताना। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पराना, आप क्या बोलते हैं जरूर बताना। ये डोरे में जो कचरा आ जाता है इसको निकालने वाला है, और हमारे दो बैल यहाँ पर अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि डोरा ये जो चावल में लगा रही है वाला छोटा डोरा रहता, और जो मकई में लगाया वो बड़ा वाला रहता, तो छोटा वाला मंगवाया है, तो तब तक ये खा ले दोनों बैल, और दो बैल अपने खेत में इस तरफ चल रहे हैं ये। चलो ये खाना खा ले, इसके बाद डोरा ले आए, फिर दो दो बैल चलेंगे अपने खेत में, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड आई होप आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।